हाय गाइस, दिस इज़ मी सादमा मोइन। तो आज हम लोग स्कूल की एक्टिविटी के लिए एक बैलेट बॉक्स बनाएंगे। तो जिसके लिए हमें सबसे पहले एक ग्लेस शीट चाहिए होगी, उसके साथ हमें एक स्टेपलर चाहिए होगा, एक बॉक्स चाहिए होगा। आप कोई सा भी बॉक्स ले सकते हैं, जैसे कि मैंने एक ही शू बॉक्स लिया है, ठीक है। और इसके बाद हमें चाहिए होगी एक सीज़र और एक गम। आप कोई सी भी गम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी UHU ली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम एक बॉक्स का कवर लेंगे, ठीक है। इसको हम रैप करेंगे किसी भी शीट के साथ, ग्लेस की जो कलर आपको पसंद हो। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। सो हम इसको इस तरह करके रैप करेंगे, लाइक दिस, एंड वी विल स्टेपल इट। सो गाइस, तो हमने इसको वन साइड से स्टेपल कर लिया और हम इसको उसके ऊपर चढ़ा देंगे, ठीक है, कवर कर देंगे। अब हम लोग इसकी निचली साइड पे भी कवर करेंगे। हम ज़रा ज़रा सी UHU लगाएंगे या कोई भी गम स्टिक जो आप यूज़ करते हो, और उसको इस तरह सही अच्छे तरीके से लगाएं ताकि वो इसके साथ चिपकी रहे। और हम इसको इसके ऊपर इस तरह करके रख देंगे। अब हम इसको ओपन करके इसके अंदर वाली साइड पे पेस्ट करेंगे कवर। इधर भी हम इस तरह बॉक्स के साइड पे कॉर्नर पे UHU लगाएंगे ताकि वो अच्छे तरीके से चिपकी रहे। हम इसको इस तरह लगाएंगे, लाइक दिस, अच्छी तरीके से हम पेस्ट करेंगे। और फिर जो एक्स्ट्रा होगा ना, फिर हम उसको एक साइड कॉर्नर से ना कट कर देंगे, लाइक दिस। अब हम इसको कॉर्नर से भी कट करेंगे। अब हमने इसकी दोनों साइड्स, बोथ साइड्स के कॉर्नर को कट कर दिया, और अब हम इसको अंदर की साइड तरफ पेस्ट कर देंगे इस तरह। अब हमारी मिडल साइड बिल्कुल परफेक्ट हो गया, और अब हम अपनी कॉर्नर साइड वाली जगह को रैप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह करके। और हम उसको इस तरह फोल्ड करके अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास गम नहीं है तो आप इसको पिन अप भी कर सकते हैं, और ये आपकी पिन अप होके भी अच्छे तरीके से रह गएगी इस तरह। ये देखें, अब आपकी ये पिन अप भी होगी और अच्छे तरीके से बहुत अच्छी भी लग रही है। अब हम लोग आते हैं अपने बॉक्स की कवर की तरफ। अब हम इसको इस तरह करके अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर देंगे दोनों साइड को, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग कट कर देंगे। अब जैसे ये है, हम इसको पिन अप कर सकते हैं, या आप लोग गम से पेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये अब हम लोग पिन अप कर रहे हैं। अब हम लोग अपने बॉक्स की दोनों कवर साइड्स को इसी तरह स्टेपल कर लेंगे। सो गाइज, उसके बाद हम लोग, अगर आप लोगों के पास घर में कटर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग सीजर से निशान लगा लें कि किस जगह पे आप कटिंग करेंगे। जैसे कि ये हमने लगा लिया है इस तरह, और इसके बाद फिर आप उसको कट करेंगे इस तरह। आप लोगों ने निशान लगाना है सारों जगहों पे। सो गाइस, अब हमारा बैलेट बॉक्स रेडी है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा लग रहा है, और ये हमने इसके ऊपर से कटिंग भी कर ली है, लाइक दिस। और अब आप इसमें वोटिंग की
लिए पर्चियाँ भी डाल सकते हैं लाइक दिस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.